तो दोस्तों आ गई है PUBG की एक नौ प्रो लेवल गेम प्ले वीडियो। आज हमारे साथ है तीन रैंडम प्लेयर, पता नहीं हमें कहाँ उतार दिया था, खैर जो भी हो सही जगह उतारा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बंदों को उससे डरते हैं, लेकिन हम बस ये सोच रहे थे कि बंदे भी थोड़ा लूट उट कर लेंगे, फिर जरा बराबरी की फाइट हो जाएगी। ये जो हमारे साथ ये रैंडम प्लेयर है, हमें इनकी बिल्कुल भी खुशी नहीं है कि हमारे साथ है, क्योंकि इसमें हमें लूटने की बड़ी ही दिक्कत पड़ती है। वो तो सही है कि हमें यहाँ M249 मिले, वरना तो आज हम इन्हीं को नेड करके इनकी क्रेट लूटने वाले थे। फिर ये जाते लॉबी में और अपना चालू करते दूसरा मैच। अब ये ना हमें नहीं पता कि हमें रिपोर्ट कर देते या क्या करते, लेकिन तुम्हारे भाई की तो आईडी इतनी शानदार है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम देखने में लूब लगते हैं तो हमारी आईडी भी नूबड़ वाली होगी। ना 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 मुन्ना ना, कभी जाके देख ना भाई की ग्लेशियर खुली हुई है, भले से तुक्के में खुल गई हो। तो अब हम आए थे क्रैप ग्रास, क्योंकि हमने सोचा अब तो लूट उठ हो गई होगी, सबके पास बराबरी का मामला होगा, बराबरी की फाइट चलेगी। लेकिन भाई ये सच बात नहीं है, सच बात तो ये है कि प्लेन पार में क्रैप ग्रास था ही नहीं, तभी तो तुम्हारा भाई यहाँ पे लूट उठ मचाने आया है। तो अब हम आपको थोड़ा मोटिवेशनल टॉक सुना देते हैं, जो कि यह है कि इफ़ यू प्ले मोर टाइम पबजी देन इन फ्यूचर यू विल बेचिंग सब्जी। अब इसमें भी कंडीशन अप्लाइड होती है, अगर आपका गेम प्ले हमारे जैसा है तो आप जरूर सब्जी बेचेंगे, लेकिन अगर आपका गेम प्ले प्रो लेवल का है तो मे बी पॉसिबल कि आप बूट कैंप भी बना सकते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छा नहीं खेलते हैं, वो तो जरा हमारी सेटिंग हो जाती है, प्लेन में ही बहुत सारे लोंडे से लोंडे, हम तो देह की भीख मांग लेते हैं तो फिर हमें मानने से छोड़ ही देते हैं। वरना जिस दिन बोट मैच लग जाता है उस दिन तुम्हारे भाई के 25-25 किल जाते हैं, क्योंकि उस दिन हमसे कोई प्लेन में बोलता ही नहीं है कि भाई हमें छोड़ दो, उस दिन हम खुल के खेलते हैं। अभी हमारा टीममेट हमें बुला रहा है, हमने कहा था ना हम बहुत अच्छा खेलते हैं, इन्होंने जरा हमारा गेम प्ले देखा हुआ, हमने कैसे 20-25 किल करते हैं, इसलिए जरा हमें बुला रहे हैं, हम जाते हैं अब इनकी मदद करने। अब हम जा रहे थे यहाँ से अपनी गाड़ी लेके, अब हमने सोचा था कि हम उसे गाड़ी से ही मार देंगे, क्योंकि हम ऐसे गन उन मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते, आज है कल नहीं है। अब जरा एक रीज़न ही है अभी तक गाड़ी से जाने का कि हमसे शायद वो गन से ना मरता, क्योंकि उनका डिवाइस हमसे अच्छा होगा ना, वरना तुम्हारे भाई का गेम प्ले तो है ही होता, तुमने तो देखा ही हम कितना खतरनाक खेलते हैं। अब यहाँ पे हमें बोट मिलता है, इसलिए ही तो हम इसे मारने में इतने इंटरेस्टेड है। अब देखो यहाँ पे हम आपको एक बहुत ही खतरनाक चीज़ सिखाने वाले हैं, जो कि आपके काफ़ी बार काम आएंगी, जो कि है फ्री का किल चुराना। अब यहाँ पे हमने देखा और हमने मार दिया, भले से किल किसी का भी हो हमें तो फोकट का मिल गया ना। वैसे तो एक किल उल नहीं चुराना चाहिए, जो कि बहुत ही गलत बात होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर के लिए गलत आदमी बन जाते हैं। तो अब हम कसम खाते हैं कि 0.005 सेकंड के लिए हम किल नहीं चुराएंगे। तुमने क्या सोचा हम क्या ज़्यादा ही कसम खा लेंगे, हम क्या इतने बड़े नेता हैं, ना ज़्यादा दिमाग उमाग मत लगाया करो, हम जो दिखा रहे हैं उसे मान लिया करो बस, और हम जो कह रहे हैं उसे सुन लिया करो। अब यहाँ पे हमारा टीममेट हमें बुलाता है, उसे शायद बंदों ने घेर लिया था, तो हम जाते हैं कौन सा सुसरकना आदि मारता है हमारे बंदों को। ओरे भैया गाड़ी आ रही, वापस आ जाओ भाई। अब हम चाहते तो हम गाड़ी उड़ी पे भी स्प्रे दे देते, लेकिन फिर पबजी वाले हमसे हमारा डैमेज वमेज मांग लेते गाड़ी का, तो हम क्या करते, कुछ नहीं कर पाते ना भाई, हम वैसी गरीब इंसान ही ने कहा हम रोकड़ा उकड़ा दे देते। तो दोस्तों 14 नवंबर आ रहा है, बल्मटाइन डे आ रहा है, यानी कि भाई हम तो रहेंगे घर पे, हमारी तो कोई सेटिंग उटिंग है नहीं, अगर आपकी हो तो हमें जरूर बताइएगा। खैर हमें बता के क्या करोगे, चलो कोई नहीं हमें बता देना, हम किसी से नहीं कहेंगे। क्या भाई भानु तीन के साथ जा रहा ओयो जा रहा, जैसा कि आपको पता है हम बहुत ही भरोसेमंद इंसान है, हम किसी से कुछ नहीं कहते हैं, तो आप चाहे तो हमें बता सकते हैं अपनी सेटिंग उटिंग के बारे में, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अब जैसा कि तुम सबने देख लिया होगा कि तुम्हारा भाई कितना खतरनाक खेलता है, तो अब हमारा टीममेट बताता है कि यहाँ पे बंदा है एक और, तो हम उसे मारने जाते हैं, और ये हमने दो को किल करा, सीधे तीन किल, स्वैग लेवल 99.9%। ये देखो टीममेट्स भी बोल रहे हैं ऑसम भाई, तुम्हारा भाई तो खेलता ही सैवेज है, टैलेंट बहुत है, लेकिन आज तक घमंड नहीं करा बस तुम्हारे भाई ने। तो अब हम बढ़िया करके पेटी उटी लूटेंगे इनकी, वो रिवाइव हो रहा होगा उसकी हमें कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे हमें एक बंदा दिखता है, अब देखना तुम्हारा भाई कैसा तकड़ा वाला क्लच करेगा इसके साथ, तुम देखते जाना बस कितना तकड़ा वाला मारेगा इसे। अब यहाँ पे इसे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, मैं जाता हूँ अंदर की तरफ, तुम देखना क्या होगा बस। अरे तुम्हारा भाई है ना सैवेज, ये अबे हो गया क्लच, थोड़ा हो जाता कभी कभी, ध्यान ना दिया करते ऐसे, थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातों पर ठीक है। अब रिवाइव उवाइव हो जाएंगे, अबे टीममेट तो हमारी टीममेट लगे गलत ही आ गया, नूबों का सरदार साला, हमसे सीखो कुछ गेम प्ले उम्प्ले करना, मारा ही ना गया इतनी देर में, मारा देर में पेटी उट्टी बना देता ना साले को, रिपोर्ट कर देता मैं अभी से, नया मैच चालू करना पड़ता फिर मुझे लॉबी में जाके। खैर मार तो मैं भी देता है इस वाले बंदे को, बंदा तोड़ लेना तो बोट था यो, वो तो जरा मेरा एम जरा ऊपर को चला गया, मेरी कोई गलती ना भाई साहब, स्क्रीन की गलती है, मैं क्या करूँ,
हम तो आई प्रो प्लेयर, अभी हमारा फोन ही गलत कर चला है तो भैया हम क्या कर सकें बताओ, इसमें है नहीं भाई। चलो कोई ना, चल लोगों भी एक आध के लेन देने चाहिए। अब यहाँ पे हम बढ़िया करके मेडियो टिकेट मारते हैं, थोड़ा बूस्ट उस्ट मार लेते हैं, क्योंकि बंदे तो हमसे मारने जाने नहीं है, बूस्ट उस्ट ही मार ले। अब देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे भाई के मैच के आखिरी तक 15-20 किल हो जाएंगे तो बहुत ही गलत सोच रहे हो। तुम देख ना, किल तो और ज्यादा होंगे, हाँ बस 20 से जरा थोड़े घटा उटा लियो, मैं तो सही होगा तुम्हारा। अब मैं यहाँ पे जरा किल चुराने की कोशिश कर रहा था अपने टीममेट की, जो कि हमसे पूरे नहीं हो पाए। वैसे तो मैं दो कामों में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, एक तो पेटी बनने में और दूसरा किल चुराने में। अब भाई साहब, पूरा मैच होने के बाद हमें अब पता चलता है कि हमारे साथ एक लड़की भी खेल रही थी। हमने सोचा हम थोड़ा अपना प्रो लेवल का गेम प्ले दिखाएंगे इन्हें, जिससे दीदी जी थोड़ी प्रसन्न उसन्न हो जाए हमसे। लेकिन यहाँ पे पता नहीं कौन चादर मोद हमें पीछे से फायरिंग दे रहा था। तो अब मैं आप पे इस पेड़ के कवर के पीछे आगे खड़ा होता हूँ, फिर देखते हैं कौन सा मार रहा था। डरते उड़ते थोड़े ना है यार, जिम करें, डरे थोड़े ना। 80-80 किलो की लेग्स मारूँ, ऐसी बात थोड़े ना, अभी मारूँगा देखो इन्हें भी, बोट ही तो आएंगे। हम तो सीखो कुछ गेम प्ले उम्प्ले, इनके जैसे गेम प्ले तो मैं ऐसी ऐसी करता रहूँ यार। अब देखना कितना बेहतरीन क्लच करूँगा, देखते रह जाओगे यार सब, देखे करो हमारा गेम प्ले, बहुत कुछ सीखोगे तुम हमसे। बहुत कुछ का मतलब था जैसे कैसे लोबी में जाना है, कैसे लूटना है, कैसे किल चुराने हैं, इन चीज़ों की ट्रेनिंग तो मैं ऐसी देता रहूँ। अबे अबे पड़ गई, पड़ गई, हाँ को बैठो आराम से बैठो। अब ये टीममेट पता नहीं हमें छोड़ के हमारे वहाँ कैसे पहुँच गए, हमें पता ही ना चलता कौन कहाँ चला जाए यार। अब देखना मैं अपने टीममेट को कैसे कितनी तगड़ी वाली कवर फायर दूंगा। अब मैं यहाँ पे कर रहा था वेट कि जैसे भी कोई कवर में से निकलेगा मैं उसे एकदम से मार दूंगा, जिससे मेरा टीममेट भी बच जाएगा। खैर टीममेट तो हमारा रिवाइव हो रहा था, मेरे टीममेट में और मेरे में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है कि मैं नोकवा उसने आगे रिवाइव कर दिया। अब भाई वो नोकवा, मैं उसे कवर फायर दे रहा हूँ, अब यहाँ से मुझे बंदा दिख, मैंने पहले एक आध को पटकआउट कर देगा और क्या, मैं उनकी भी पेट पुट्टी लू दूंगा कवर फायर की। चाहता तो मैं इसे यहाँ से भी मार देता भाई, आराम से दिख रहा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं हम क्लच दिखाएंगे, बढ़िया वाला क्लच दिखा दिखा के मारना चाहिए इनको, ले लेके मारेंगे इनकी। गन भाई साहब, गन गन की बात कर रहा था, गंदी सोच, छी गंदे बच्चे। अब मेरे में और मेरे टीममेट में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी कि उसने कुछ आदतें मेरी ले ली, जैसे कि नोक होना, वो भी नोक हो गया। अब ये दो नंबर और तीन नंबर तो भाई साहब टीम में गलत ही आ गई, ये तो हमारी टीम के है नहीं बिल्कुल भी, पता नहीं ना किसने भेज दिया हमारी टीम में। बताओ रिवाइव कर रहे, पेटी बनने देते इससे अच्छा दोस्त की हम लूट उट लेते थोड़ा बहुत। अब देखना तुम्हारे भाई इसे 999 किलो आके ऐसे मारेगा, और ये मार दे, देखा देखा 999 का आईक्यू है किसी के पास। अब यार ये पता नहीं यार, हमारे टीममेट बड़े नूब थे यार, हमने इनसे कहा कि रश कर आओ ना, रश करने जा नहीं रहे थे, फिर हमें किले को जाना पड़ा, जैसे हम गए लेट गए, बटन दब रहे थे अपने अपना फोन ही बेकार है फोन। और ये तीन नंबर तो मेरा भैया था, मैं तो कह ही रहा था इसने गरम मुर्गी खिला दी हमें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में।